दीपावल्यां विशिष्टेस्मिन् वार्तावल्याः प्रसारणे ऋषिराजस्य रेखायाः प्रणामाः सन्तु सादरम्। प्रसन्नशरन्मुखायाः मोदप्रफुल्लायाः दीपावल्याः शुभावसरे भगवतीं लक्ष्मीं समाराधयन्तः वयं समुपस्थिताः वार्तावल्याः अभिनवम् अङ्कम् आदाय। प्रकाशपर्वणः पूर्णता प्रतिबिम्बभूता लक्ष्मीस्तु सदैव संस्तुत्या वृत्त्यर्जनार्थं धनोपार्जनार्थं वा सैव लक्ष्मीः बलबुद्धिवैभवेन स्यात् शरण्या सम्पोषिता च इतोऽपि लोकैः। अद्यतनसुभाषितमपि एतस्यैव वैशद्यकम्। बुद्धिः प्रभावस्तेजश्च सत्त्वमुत्थानमेव च व्यवसायश्च यस्यास्ते तस्य वृत्तिभयं कुतः। बुद्धि शौर्य संतुलन शक्ति उत्साह तथा कार्य तत्परता जैसे गुणों से युक्त मनुष्य को भला धनोपार्जन अथवा आजीविका के अभाव का कैसा भय। अर्थात ऐसा मनुष्य बुद्धि आदि गुणों से सदैव ही धनोपार्जन में पूर्णतः सक्षम होता है। One who has brain, chivalry, poise, power, enthusiasm and willingness to work should never worry about earning a living. अयि रेखे अर्थेन तवैव अर्थः स्यात् न मे मम अर्थाभिनिवेशस्तु प्रवाही वार्तायाम्। अर्थी लक्ष्यसे प्रवाही वार्तानाम्। ननु कथं न स्याम्। अस्तु उल्लसन्तु ते वार्तोल्लासाः प्रवाही वार्तामुखेन। नियंत्रण रेखायां अंतरराष्ट्रीय सीमनी च पाकिस्तानस्य गोलिकावर्षणस्य मुखभंजनकर प्रत्युत्तरे सीमसुरक्षाबलस्य भटैः आहत्य 15 पाकिस्तानीय भटाः मारिताः। तत्रैव पाकिस्तानीय प्रहारे भारतीय नागरिकद्वयं मृत्युम् उपगतम्। नवदिल्ली स्थितस्य पाकिस्तान उच्चायोगस्य कर्मकराय महमूद अख्तराय भारतात् प्रत्यावर्तनादेशः प्रदत्तः। पाकिस्तानाय गोप्यसूचना प्रदानारोपे दिल्ल्यारक्षिबलेन महमूद अख्तरः निगृहीतः आसीत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोबायां जनसभां संबोधयन् प्रत्यपादयत् यत् मुस्लिम महिलाभ्यः ददीयाधिकार प्रदानं प्रशासनस्य कर्तव्यमस्ति। तेनोक्तं यत् तलाकत्रयोच्चार प्रकरणं प्रशासनपक्षद्वारा विपक्षेण च स्वार्थसिद्धये न कथमपि प्रयोक्तव्यम्। क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भारत यात्रावसरे न्यूजीलैंडस्य प्रधानमंत्री जॉन की प्रावोचत् यत् द्विपक्षीय संभाषणात् परं देशद्वयस्य मध्ये विविध सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि संजातानि। उभाभ्यां देशाभ्यां च आतंकवादं विरुद्ध्य सुरक्षा सहयोगं संवर्धयितुं प्रतिबद्धता अपि प्रकटिता। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां डिजिटल इण्डियान्तर्गत राष्ट्रिय शैक्षिक निक्षेपागारस्य स्थापना अनुमता। सममेव केन्द्रीय कर्मचारिणां महार्घतादिदेयांशे 2% वृद्धिरपि विनिर्णीता। ओडिशायां IISER इति भारतीय विज्ञान शिक्षानुसन्धान संस्थानस्य स्थापनायै अपि अनुमतिः प्रदत्ता। उच्चतम न्यायालयस्य निर्देशानन्तरम् इदानीं मुम्बय्याः हाजी अली दर्गाहस्य मजार इति समाधिस्थले महिलानां प्रवेशोऽनुमतः। एतदर्थं च आवश्यक परिवर्तनाय दर्गाह संचालन समित्यै सप्ताहचतुष्टयात्मकः समयः प्रदत्तः। पाकिस्तानस्य पूर्वराष्ट्रपतिना परवेज मुशर्रफेण प्रतिपादितं यत् जैश ए मोहम्मद प्रमुखः मसूद अजहरः आतंकी विद्यते। असौ पाकिस्ताने संजात विस्फोटेषु अपि संलिप्तः। उत्तर प्रदेशे लखीमपुर खीरी नगरपालिका परिषदा आचार्य बाबूराम अवस्थी वर्यस्य पुण्यस्मितौ नातिचिरं अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलनं षोडश संस्काराः इत्याख्यस्य च संस्कृत नाटकस्य मञ्चनं अन्वष्ठीयेताम्। सम्पूर्णदेशे धनत्रयोदशी दीपावली च इति पर्वद्वयस्य उत्साहः विद्यते। धनत्रयोदशी आपणेषु चाकचिक्येन सह आमानिता। दीपावल्याश्च अवसरे जनसाधारणेषु समुत्साहो दरीदृश्यते। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। ऋषिराज कया रमण्या हृतं ते हृदयं यत्त्वं रमणीयतोन्मुखः सञ्जातः। अहमेव न प्रत्युत निःशेषमपि विश्वं तस्यां रमण्यां हृदयमिव लालायितं दृश्यते। कास्ति सा मनोहारिणी रमणी? किं न वेत्सि आदिकविना वाल्मीकिना अकारणकरुणया प्रणीतस्य रामायणस्य रमणीयां कथां। नूनं वेद्मि एषा तु यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति इति वाल्मीकिवचनम् अनुसरन्ती सहृदयै आस्वाद्यमाना कविललामभूता विलसति।
तावत् दीपावली रागरञ्जितं भगवतः श्रीरामस्य गृहश्रिया सज्जितम् एतत् दीपावली पर्व अभिलक्ष्य प्रस्तूयते रामायणस्य वृत्तमेकम्। अचिरमेव भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदा दिल्ल्यां द्विदिवसीयः अन्ताराष्ट्रियौ रामायण महोत्सवो भव्यतया समायोजितः। भारतं समेत्य सिंगापुर थाईलैंड श्रीलंका भूटान देशानां कुशीलवाः पारंपरिक मनोरमरीत्या रामायणस्य मंजुल प्रसंगान दर्शकेभ्यः रसास्वादनाय प्रौढ भारतीय सांस्कृतिक रिक्त प्रबोधनाय च प्रास्तुवन्। देश देशांतरेषु रामलीला मञ्चनस्य सुदीर्घेयं परंपरा नैकशताब्धिभ्यः सम्प्रत्यपि नैकाभिः संस्थाभिः भाषाभिश्च सुप्रचलितेत्यापादयितुं सफलप्रयासाः विधीयन्ते। आदिकवि वाल्मीकि प्रणीतस्य रामायणे मानवीय भावनानां उत्तमाभिव्यक्तिः दरीदृश्यते, या हि सहजतया पाठक कलाकार दर्शकवृन्दान् प्रगत्यै कर्तव्यतायै कर्मण्यतायै आनन्दाय उत्साहाय सद्धर्माय च सविशेषं प्रोत्साहयति। भारतीय संस्कृतेः गौरवगाथा प्रस्तावकौ रामायणाख्यो ग्रन्थः उदात्त मानवीय मूल्यानां सर्वोत्कृष्ट निदर्शनं वर्तते, यन्निश्चप्रचं सम्प्रति नैकदेशाः आदर्श समाज निर्माणाय अभिस्वीकुर्वन्तो वर्तन्ते। छायाङ्कनकारेण आदित्य सिंहेन सह अहं सुनील जोशी, डीडी न्यूज, नवदिल्ली। सारे पमगरे सारे पा अनधिगत संगीत विद्या न मया ज्ञायते। यदि अनधिगत संगीत विद्या तर्हि जानीहि संगीत गगने मार्तण्डमिव विभ्राजमानं संगीत मार्तण्डं संगीत रत्नाकरं च जसरंगी पद्धति प्रवर्तकं रस राजाधिराजं पंडित जसराजं तत् संगीत पद्धतिं च। अस्मत् भारते नैकशताब्दीतः सततमेव संगीतस्य शास्त्रीयं स्वरूपं न केवलं मनोरञ्जनस्यैव अपि तु परमेश्वरयोगरूपलक्ष्यस्यापि महत्वाधाय साधकं स्वीक्रियते। एतादृक् भारतीयशास्त्रीयसङ्गीतज्ञप्रमुखगायकेषु अन्यतमस्य मेवातीत्याख्यसङ्गीतसङ्कुलप्रमुखस्तम्भभूतस्य पण्डितजसराजस्य जन्म तादृशे कुले समभवत् यत्रत्याः पूर्वजाः हिन्दुस्थानीशास्त्रीयसङ्गीतसौन्दर्यम् इतोपि संवर्धितवन्तः। केवलं त्रिवर्षात्मके एव अल्पीयसि वयसि स्वीय दिवंगत पितुः रिक्तरूपं सप्तस्वरं सम्प्राप्य असौ सङ्गीतजगति सम्प्रविष्टः। ते एव सप्तस्वराः तस्य प्रतिभायाः विचित्रवर्णीभूय विश्वपटले तदीयगानस्य सुदृढं कीर्तिमत्त्वं स्थापयन्तो विद्यन्ते। पंडित जी नमस्कार। जय हो यशी जी। आपका हमारे कार्यक्रम वार्तावली में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद, आपने हमें इसमें बुलाया, हमें बड़ी खुशी हो रही है। आप जब संस्कृत के स्तुतियाँ
या पद जब आप गाते हैं कि श्रोतागण एक दैवीय अनुभव की अनुभूति करने लगते हैं, तो ये जादू आप कैसे कर लेते हैं? ये तो आप श्रोतागणों से पूछिए जी कि वो कैसे ये अनुभूतियाँ करते हैं जी। मगर ये उसकी सच में मेहरबानी है। मैं आपको ये बताऊं जी कि कभी गा के मैं अपने आप में सोचता हूँ कि आज तो मैंने आसमान के तारे तोड़ दिए, उतार दिए, तो सामने से पहला आदमी आता कहता, पंडित जी आज क्या हो गया था। और जब कभी हम स्वरों को ढूंढते हैं या राग को ढूंढते हैं या शब्दों को ढूंढते हैं, तो पहला जो आदमी मिलता है कहता, पंडित जी आज तो आपने भगवान के दर्शन करा दिए, अब इसको क्या कहें, अपने हाथ की कोई बात नहीं, किसको क्या समझ में आता है, वो तो उसकी मेहरबानी। आपने कुछ बंदिशों की रचना भी की है। बंदिशों की रचना तो खैर वो ही करवाता, मैंने कहा ना बहुत सारी है, जैसे एक जसरंगी है जो आपके नाम पे ही है, वो बंदिश नहीं है जी, वो एक जुगलबंदी है जी। जुगलबंदी हमारे शास्त्रीय संगीत में एक मूर्छना भेद होता है जी, तो उससे आप अगर जाके ढूंढें तो ये संभव है। ये जसरंगी में लेडीज़ का स्वर अपना होता है जिस स्वर से वो गाती है, और पुरुष का अपना स्वर होता है, अलग अलग स्वर से गाते हैं, मगर राग भी अलग अलग होते हैं, मगर वो रागों का स्वर एक ही होना चाहिए, उसको जाके मिलान, मगर ये एक तलवार की धार पे चलने जैसी बात है। तभी इसे एक अनोखा प्रयोग कहा गया और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा योगदान भी माना जाता है। जी 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 जी। पंडित जी, आप ऐसे पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने सातों महाद्वीपों पर अपनी प्रस्तुति की है। उस अनुभव के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप श्रीमती तृप्ति मुखर्जी हैं, लास्ट ईयर उनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया है, और हम साथ साथ गए थे अंटार्कटिका में, वहाँ पे कैसे गाना हुआ, कैसे क्या हुआ, इनसे पूछिए। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी के साथ अंटार्कटिका गए हम लोग, और वहाँ पे तो उतरने की कोई जगह नहीं होती है, सो शिप में ही 100 लोगों का शिप था, तो 100 लोगों की शिप ये प्रोग्राम रखा गाने का एक दिन शाम को, तो सारे पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे वहाँ, तो एकदम मिक्स्ड क्राउड है, पूरी दुनिया से लोग आए थे उस शिप में। सो ये तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है अंटार्कटिका के भूमि में। इससे पहले भी बाकी 6 महाद्वीपों पर तो किया ही हुआ है, वो तो है ही। अंटार्कटिका का वो क्रूज पे शायद था ना जी, एक अलग। हम लोग वहाँ भी गए थे आर्कटिक जी, सो वहाँ भी गाए मगर समुद्र में खड़े रह के, समुद्र में खड़े रह के जी, आर्कटिक ओशन में। सो जहाँ तक जा सकते हैं आर्कटिक ओशन, अच्छा, अलास्का की तरफ से। हाँ हाँ। सो हम लोग गए 3 दिन सबसे ठंडी भी जगह जी, जी। नॉर्थ पोल के जी, वहाँ पे घुटने घुटने तक पानी समुद्र में, और खड़े रह के हमने सूर्य की आराधना की, क्योंकि 9:30 बजे हुए थे, और वो दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। गुरु जी, जब आप जैसे संस्कृत की कोई प्रस्तुति, जैसे आपकी प्रस्तुतियां हैं संस्कृत में, मांडुक उपनिषद की है और शिवाष्टकम है और मधुराष्टकम है, ये हमने सुने हैं आपके, तो आप अगर हमें कुछ थोड़ा सा गाना चाहें, सुनाना चाहें। सुना देता हूँ जी, मैं आपको आनंद षटकम। आनंद षटकम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानेन मनोबुद्धि चित्तानेन न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप। वाह शिवोऽहं। वाह। आपकी किसी प्रस्तुति के बाद का कोई ऐसा यादगार क्षण?
देखिए, भगवान की कृपा से हर प्रस्तुति में कुछ न कुछ मिल जाता है और कुछ समझने को मिलता है। मैं तो ये मानता हूँ कि हम शिष्य को सिखाते हैं तो उनसे कुछ सीखते रहते हैं, चाहे कोई माने या न माने। हमने कुछ किया धर्म रे राम, तो शिष्य ने इससे थोड़ा सा भी पर कर दिया, लगा अच्छा, वो हमारे जहन में घुस गया, तो हमने शिष्य से सीखा ना, तो ऐसे भी होता है, आदान प्रदान जिसको कहते हैं चलते रहता है। अपने भारत में और विदेशों में आप तो सभी जगह अपनी प्रस्तुति देते हैं, तो जो विदेशी लोग हैं आजकल, विदेश लोग भी बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं। वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि शास्त्रीय संगीत का वो कितना आनंद लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ना जी, कि पहले इंस्ट्रूमेंट सुनते थे और उन्हीं की इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लोगों के, मतलब नाम लेते हैं पंडित रविशंकर जी के, उस्ताद विलायत खान साहब का, बिस्मिल्ला खान साहब का, अली अकबर खान साहब का, इन लोगों की देन है, वहाँ पर जाके संगीत को उन्होंने फैलाया। तो ये जितने बड़े कलाकार थे जी, जिस कोटि के कलाकार थे, उस कोटि का कोई कलाकार होगा गायक, तो उसको सुनेंगे। और आप उसी कोटि के कलाकार हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। कृत हृदयास्मि भक्तिरस मधुरया भावगम्भीरया गिरानया। अहमपि तावद् रसपरिवर्तनं कुर्मः। तर्हि कः रसः अनुष्ठेयस्त्वया? नवरसपूर्णा संस्कृतभाषा सुधामपि तिरस्करोति, तर्हि को विशेषः रसविशेषविमर्शे? ममाभिनिवेशस्तु संस्कृतभाषाविलासाभिलाषी। तर्हि प्रस्तूयते तावत् संस्कृतभाषामधिकृत्य मेरठीयं वृत्तम्। कृपया एकमेकं वाक्यं वदन्तु। मम नाम भरतकुमारः, अहम् शिक्षकः अस्मि। निखिलेपि देशे विदेशेषु च संस्कृतभारती इत्यादि संस्थाभिः संस्कृतं प्रति रुचिमादधानाः आबालवृद्धाः भारतीयसंस्कृतिगौरवं शिक्षमाणाः इति नास्ति अप्रच्छन्नम्। संस्कृतभारत्याः एव मेरठ क्षेत्रीयाः सरलसंस्कृताध्यापनकर्मणि उत्साहेन सेवाभावेन च निरताः संस्कृतकार्यकर्तारः सन्तिष्ठन्ते। मेरठ प्रान्तान्तर्गत पश्चिमोत्तर प्रदेशस्य 14 जनपदेषु विगत षण्मासावधौ मुख्यतः 16 संख्याकाः संस्कृतसेवापराः युवप्रचारकाः विशेषेण वर्तन्ते व्यापृताः। ग्रामं ग्रामं गच्छामः, संस्कृतशिक्षां यच्छामः इति अस्माकं ध्येयमस्ति। मात्र 10 दिवसेषु ते 20 घण्टासु निःशुल्क संस्कृतसम्भाषणद्वारा संस्कृतं पठित्वा ते स्वस्य धर्मग्रन्थान् पठितुं समर्थाः भवन्ति, स्वस्य संस्कृतिविषये जानन्ति, स्वस्य इतिहासविषये जानन्ति। संस्कृते यत् निहितं विज्ञानमस्ति, ज्ञानमस्ति, कारणं सर्वं विज्ञानं तत्रैव अस्ति। आयुर्वेदः, योगं, ज्योतिषं, वैज्ञानिकं, विज्ञानं, तन्त्रशास्त्रं, दशदिवसव्याप्ये 81 संख्याकनिःशुल्कशिबिराणां माध्यमेन साम्प्रतं यावत् एतैः वर्गवैविध्यमपि अनुसृत्य प्रायशः 5,000+ जनाः यथाशक्यं मूलं संस्कृतं पठितुम् अवगन्तुं च सततं सन्ति प्रेर्यमाणाः। वस्तुतः भाषणात् भाषा इति व्युत्पत्तिपरा व्यवह्रियमाणा च भाषा न कथमपि विशेषेण सरला कठिना वा इति निःसंशयं शक्यते वक्तुम्। या भाषा व्यवहारात् दूरी गच्छति सा भाषा कठिना प्रतीयते, या भाषा व्यवहारे आयाति सा भाषा सरला प्रतीयते। सत्यपि भाषा वैविध्ये तत्तद्भाषाणां पारस्परिकोभिसम्बन्धः विविधशब्दस्वरूपसामीप्यम् अवबोधयन् भाषायाः प्रयोगम् इतोपि सरलमिव विदधाति इति निश्चप्रचम्। विश्वस्य अनेकासु भाषासु संस्कृतस्य शब्दाः अधुनापि समुपलभ्यन्ते, एवं वयम् आङ्ग्लभाषायां दन्तशब्दस्य कृते टीथ इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः, डेंट, डेंटिस्ट, डेंटल इत्येवं वयं वदामः। एवमेव पद इत्यस्य प्रयोगं वयं संस्कृतभाषायां कुर्मः, एवं या पैदल, पेडेस्ट्रियल
एवं सर्वतः संस्कृतं संसरेत् इति धिया संलग्नाः मेरठप्रान्तीयाः संस्कृतकार्यकर्तारः तेषां च संस्कृतसम्बन्धीन्युदात्तलक्ष्याणि नित्यनूतनं समुन्नतसाफल्यशृङ्गं समवाप्नुयुः इति लोकः प्रमाणं मुररीकृत्य वर्धापनार्हः सेवापरकसंस्कृतसम्प्रसारसङ्कल्पः ईदृशः। यदि संस्कृतस्य वृत्तमेव एतावदाह्लादकारी तर्हि का कथा स्वादुगीतकादम्बर्याः? सम्प्रति समुपस्थिता सुस्वादुगीतकादम्बरी पानवेला। परं निर्णयोद्घोषणानन्तरमेव दर्शकाः अस्माकं स्पर्धागीतं स्मरन्ति वा? छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। एतत् स्पर्धा गीतस्य विजेत्री अस्ति महाराष्ट्रतः सानिका साखरे। गीतं च गीतवती अम्बालातः श्रियांशुला शुक्ला। भूयो भूयो अभिनन्दनं भवत्यो। प्रियः क्रीडाकारी उपहासिनेन नन्द पतिगेहं गेन्दसुमं निन्दति श्वश्रूः सान्त्वयति देवरः पतिगेहं गेन्दसुमं जहितं पितृप्राङ्गणं प्रियं प्रियस्य गेहं हो। प्रियोऽस्ति व्यापारी प्रगच्छति विदेशं मुखावलोकनात् मनः खिन्नं जातं पतिगेहं गेन्दसुमम् निन्दति श्वश्रूः सान्त्वयति देवरः पतिगेहं गेन्दसुमम् प्रियः क्रीडाकारी उपहासिनेन नन्द पतिगेहं गेन्दसुमम् जहितं षड् धारयति ताम्बूलं खादति पूर्णाद्वाय पुरात् भिन्ना प्राणेशस्य शोभा पतिगेहं गेन्दसुमम् प्रियः क्रीडाकारी उपहासिनेन नन्द पतिगेहं गेन्दसुमम् नन्दति श्वश्रूः सङ्कति देवराः पतिगेहं गेन्दसुमम् जहितं प्राङ्गणं प्रियं प्रियस्य गेहं हो। सम्प्रति अग्रिमं स्पर्धागीतं सूचयतु। आम्, अग्रिमं स्पर्धागीतम् अस्माकं लतास्वरलालितम् इदम्। दर्शकाः गीतस्यास्य गेयतानुकूलमौलिकानुवादप्रेषणार्थं प्रार्थ्यन्ते भवन्तः। तदर्थञ्च अन्तिमो वधिरस्ति नवम्बर् मासस्य सप्तमो दिवसः। निर्णयोद्घोषणञ्च तदनु नवम्बर् मासस्य एव द्वादशे दिनाङ्के विधास्यते। रेखे येषाम् अप्रतिमस्नेहेन पल्लविता पुष्पिता अनवरतं प्रवर्धमानं विकासमाप्नोति अस्माकं नवनवोन्मेषशालिनी वार्तावली, तेषां स्नेहरागरञ्जितानां पत्राणां सम्प्राप्तः विमर्शावसरः। कथं विस्मर्तुं शक्यन्ते अस्मदीय दर्शकानां स्नेहयुतानि परामर्शयुतानि च पत्राणि? मेरठतः अनीता माथुरो ब्रूते यत् वार्तावल्यां प्रस्तुतः सङ्गीतकारस्य सलमान खानस्य साक्षात्कारः तस्यै भृशम् अरोचत। विशिष्य नमामीशमीशानमिति रुद्राष्टकस्य प्रस्तुतिः नितान्तं हृदयहारिणी सिद्धा। स्वपत्रमाध्यमेन भवन्तः इतोप्यधिकं स्नेहं प्रेषयन्तु। दर्शकाः इदानीम् आसन्नगमनवेला वयम्।
दीपावल्याः पौनःपुन्येन भूरिशः शुभकामनाः उल्लासाञ्च किरन्ति सम्प्रति अवसानमेति अद्यतनवार्तावली विरमामो नमामो यामो भवतां पुनर्दर्शनाय प्रियोस्ति व्यापारी प्रगच्छति विदेशं मुखावलोकनात् मनः खिन्नं जातं पतिगेहं गेन्द्रसमम् निन्दति श्वश्रुः सन्त्वति देवरः पतिगेहं गेन्द्रसमम् प्रियः क्रीडाकारी उपहासिनी ननन्द पतिगेहं श्वश्रुः सङ्केते देव